अस्सलामुअलैकुम हसाम व्लॉग में आप सबको खुश आमदीद। और मैं आज इस वक्त मौजूद हूँ एक स्नूकर क्लब में जो कि एक इंटरनेशनल गेम है, और मैं आपसे की जो है वो किस तरीके से इस गेम को खेला जाता है वो सारी जो है वो डिटेल्स आपसे शेयर करूँगा। और क्योंकि ये एक इंटरनेशनली गेम है और बहुत ही बेहतरीन किस्म का गेम है, इसके बारे में जानते हैं कि ये किस तरीके से खेला जाता है और इसमें जो है वो कितना टाइम लगता है। तो आइए कुछ लोगों से बात करते हैं, इसके बारे में डिटेल्स जानते हैं कि वो इसको किस तरीके से खेलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा भाई, आपका नाम क्या, पहले तो ये बताएं। मेरा नाम शायान है। शायान भाई, ये बताएं कि स्नूकर जो है वो किस तरीके का गेम है और इसको हम मतलब कितने टाइम पीरियड में खेल सकते हैं? असल में ये बहुत अच्छा गेम है। वैसे इसके बारे में लोग कहते हैं, अपना गलत इंप्रेशन जाता है, जैसे काफ़ी फैमिली उसको ये लगता है गेम अच्छा नहीं है, क्योंकि उसकी एक मेन वजह ये है कि ये रोडों पे जो कहते हैं स्नूकर निकला है छोटी टेबल के उससे, तो ये असल में स्नूकर नहीं होता। असल मायनों में ये क्लब लेवल पे ये स्नूकर खेला जाता है, लेकिन उसकी वजह से हमारे फैमिलीज़ में जैसे बच्चे निकलते हैं खेलते हैं, शौकीन जो इसके होते हैं वो खेल नहीं पाते इसी वजह से कि उनके घर वाले उनको बोलते हैं अच्छा गेम नहीं है, वहाँ लड़के अच्छे नहीं आते, लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट गेम है। अच्छा, मैंने देखा कि मतलब इसके जो कॉम्पिटिशन होते हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर होता है, इसका प्रोफेशनल सर्किट अलग है। इस अभी आप जैसे हमारे पाकिस्तान में बहुत अच्छे स्टार प्लेयर हैं, पंजाब में बहुत अच्छे स्टार प्लेयर, अभी हमारा करंट अंडर सिक्स नहीं सीनियर कहते हैं अपना वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता है, वो भी जूनियर हमारा कहते हैं कैटेगरी का बच्चा, मतलब उसने ऐसा रमज़ान नाम है उसका, 16 साल की एज में उसने सीनियर अचीव करा है, वर्ल्ड चैंपियन बना है वो करंट। उसमें एशिया के सारे ममालिकों की टीमें थी, इंडिया भी था, थाईलैंड भी था, अब हांगकॉन्ग की टीमें थी। तो ऐसी ये टैलेंट की कदर कमी है नहीं है यहाँ पर, लेकिन ये कि यहाँ प्रमोशन थोड़ी कम होती है स्नूकर को, तो थोड़ा सा अगर इस पर काम जैसे आप आए हैं जैसे आप इसको प्रमोट करेंगे तो इससे हमें बहुत बेहतरी होती है। तो लड़के मेरा भी इस पर थोड़ा सा एक व्लॉग बनाने का मकसद यही था, क्योंकि ये इंटरनेशनली जो है वो इसको खेला जाता है, तो हमारे लोग भी इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान को, तो क्यों ना जैसे क्रिकेट को या जो हॉकी है इन मतलब खेलों को जो है प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन स्नूकर को जो है वो मतलब इस लेवल पर प्रमोट नहीं किया जा रहा जिस लेवल पर हम क्रिकेट को देखते हैं। जी यही बात है, अक्सर हमारे जो स्नूकर की फील्ड में एक तो कोई प्लेयर यहाँ पे अपना स्नूकर सीखता है दिल से आता है तो उसको बहुत टाइम देना पड़ता है, ये ऐसा गेम है इसमें आपको कम से कम 3-4 साल बेसिक पे काम करके अपना गेम इम्प्रूव करना पड़ता है। जब बंदा इतना टाइम देता है तो उसके बाद फिर यहाँ पे इतनी ज़ाहिर बात है, अब यहाँ टूर्नामेंट भी जो होते हैं उसमें प्राइज़ मनी इतनी अच्छी नहीं होती, कराची में खासतौर पर, पंजाब में तो आपको फिर बेहतर मिलते हैं टूर्नामेंट ज़्यादा मिलते हैं, तो इस वजह से लोग डिसाइड हो जाते हैं, पीछे बैक मार देते हैं, सपोर्ट नहीं है, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है, कोई DMC आगे नहीं बढ़ती है खेल में। लेकिन अभी 2-3 महीने से यहाँ इधर बहुत अच्छा कहते हैं कर रहे हैं इसका, लेकिन फिर भी उस लेवल पर वो प्रमोशन नहीं मिल रही इसको। अच्छा, थोड़ा सा इस गेम के बारे में बताएं कि इसको किस तरीके से वो जो खेला जाता है। इसमें असल में ये होता है फ्रेम रेड जो होती है इसको कहते हैं अपना चेरी कहलाती है ये आपकी, इसमें आप रेड मारते हो और कलर लेते हो, ये बेसिकली इसके ओवरऑल पॉइंट होते हैं 147 और ये इसका हाईएस्ट ब्रेक होता है, अगर ये किसी ने अचीव करा है ये किसी ने मारा है तो ये उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है, वरना यहाँ इसमें सेंचुरी भी लगती है, तो अक्सर टूर्नामेंट में भी सेंचुरी प्राइज मनी 5,000, 10,000, 15,000 भी होती है। तो उसके अलावा इसमें ये होता है जैसे एक प्लेयर मैं हूँ, एक प्लेयर वो सामने वाला है, अब उसने कहते हैं स्टार्ट करा गेम, मैंने स्टार्ट करा, अब उसके जो कहते हैं वो रेड खेलेगा फिर एक कलर खेलेगा, हर कलर के अपने अपने पॉइंट है, येलो 2 पॉइंट का है, ग्रीन 3 पॉइंट का है, ब्राउन जो है 4 पॉइंट का है, ऐसे ही इसके अलग रखने पॉइंट है, एक रेड के साथ एक कलर लेना है आपको, पहले आप रेड मारोगे फिर कलर मारोगे, इससे आपके पॉइंट इंक्रीज होंगे, फिर अगला अगर आप उसको आप सेव करवा के चलोगे सेफ्टी के साथ चलोगे तो उससे आप गेम जीत सकते हो। तो बेसिकली इन दी एंड जिसके ज़्यादा पॉइंट काट रहा हूँ, मुझे ये बताएं कि इसके टाइम ड्यूरेशन क्या होता है इसका खेलने का। जी इसमें ये होता है कि एक फ्रेम खेलता है बंदा, उसमें मैक्सिमम 20 से 25 मिनट लगते हैं। सही है। और इस पे ये है कि हर क्लब में ही गेम मनी के हिसाब से होता है, एक्सपेंसिव है ये गेम, ये है कि लेकिन ये आपका गेम ऐसा कि एक अच्छी एक्टिविटी और इसमें आगे बढ़ने के चांसेस होते हैं, मतलब ये जो है मतलब एक माइंड को रिलैक्स करने के बहुत रिलैक्स करता है, जब बंदा इसमें आहिस्ता आहिस्ता पढ़ता है तो उसका एडिक्ट होता जाता है। सही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कराची की सतह पर इसमें कोई मतलब टूर्नामेंट्स जो होते हैं वो कौन से क्लब में होते हैं यहाँ पर? यहाँ अभी रिसेंट हर पूरे कराची से हर प्लेयर पार्टिसिपेट कर सकता है किसी भी टूर्नामेंट में, चाहे वो बड़े लेवल पे हो या छोटे लेवल पे हो। हाँ, ये होता है एक सिंकअप होता है जो आगे बढ़ने का होता है, हर साल सिंकअप होते हैं यहाँ पे, उसके बाद सिंकअप से कहते हैं 8 प्लेयर क्वालिफाई होते हैं तो वो नेशनल खेलने जाते हैं, नेशनल में टॉप 2 होते हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे खेलने जाते हैं। स्पेसिफिक जो है वो मतलब क्या बोलते हैं क्लब है इसका यहाँ पे कोई?
जी इस मतलब जहाँ पे टूर्नामेंट्स होते हैं, टूर्नामेंट हर क्लब में होते हैं जैसे जो अच्छे लेवल पे हैं। अब यहाँ पे ये जो ये वाला क्लब है ये कराची बॉयज क्लब है, इसके अलावा रेड बॉल है, रॉयल है, करीब अच्छे जो हैं शेंडर हैं, बड़े नाम बता रहा हूँ आपको, ब्लैक हेट है तारिक रोड पे, तो इधर के अच्छे लेवल पे टूर्नामेंट होते हैं। और DMC का भी अभी टूर्नामेंट हुआ था, शेंडर पे हुआ था, तो उसमें हमारे लड़कों को आगे अच्छा मतलब प्रमोशन मिलती है, तो उसकी वजह। लेकिन ये है कि कराची में टूर्नामेंट्स वगैरह ना थोड़े कम होते हैं उसके नस्बत जैसे पंजाब लेवल में ज़्यादा होते हैं। ठीक है शायन भाई, मैंने आपका बहुत टाइम ले लिया, बहुत शुक्रिया इसके बारे में थोड़ा सा हमें ब्रीफ करने के लिए। तो नाज़रीन ये था आज का हमारा व्लॉग, और हमने जो है वो स्नूकर के बारे में आपसे शेयर किया कि इस गेम को जो है वो किस तरीके से खेला जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि लोग इस गेम को जो वो आगे प्रमोट करेंगे और इसमें जो है पाकिस्तान का जो है इंशाल्लाह नाम रोशन करेंगे आगे बढ़ के। नाज़रीन अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।